मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और मैं बॉर्डर पे हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैं पेट्रोलिंग कर ही रहा था तभी मेरे को मेजर का कॉल आता और उन्होंने कहा कि हमारे सिटी के अंदर ना टेररिस्ट एंटर कर रहे हैं जिनकी गाड़ी में भाई एक्सप्लोजन है, बोले तो बॉम्ब्स हैं जो कहीं भी ब्लास्ट हो सकते हैं, उनको जाकर तुझे पकड़ना है। तो मैं तभी की तभी अपनी गाड़ी लेके सिटी की तरफ को निकल लेता हूँ। उन्होंने बताया था कि एक व्हाइट कलर की गाड़ी है जिसके अंदर एक बंदा बम लेके जा रहा है। वो कुछ देर बाद पहुंचने के बाद देखता हूँ कि व्हाइट कलर की गाड़ी मेरे सामने जा रही है। मैं उसके आगे जाके गाड़ी लगा देता हूँ, उतर के गन से उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। बंदा रुक भी जाता है, मैं उसकी गाड़ी से उसे निकाल के बाहर फेंक देता हूं, बैठ के उसे साइड लगा देता हूं। बंदे को देखता हूं कि भाई वो रुक कैसे मेरे को मारने लगा, उसको पता था मेरे पास गन है, फिर भी मुक्के से फाइट करने लगा। मैंने भी मुक्के उसे गिरा दिया और भाई उसके बाद गोली से शूट किया, बंदा खत्म। लेकिन हमें क्या पता था, टाइमर चल रहा था गाड़ी के अंदर बॉम्ब फटने वाला। उस गाड़ी को लेकर मैं टाइमर से पहले एक खाली जगह पे पहुंच जाता हूं जहां कोई बिल्डिंग्स कोई खाली जगह होती है। उस गाड़ी को बीच में खड़ा करके मैं काफी दूर चला जाता हूं और देखता हूं कि कुछ समय बाद ही उसके अंदर बहुत तगड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। अगर इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। आज मैं सुबह सुबह पहुंचता हूँ अपने शोरूम पर, मुझे कुछ पेपर वर्क करना था क्योंकि कुछ न्यू गाड़ियां आई थी। मैं देखता हूँ कि भाई सारी की सारी गाड़ियां ऑलरेडी भाई वर्कर्स ने लगा दी हैं, तो भाई वर्कर्स अच्छा काम करने लगे हैं। तो उसके बाद मैं पेपर वर्क करने अंदर चला जाता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ खन्ना साहब आ चुके हैं। अरे खन्ना साहब आप कैसे, आपने मुझे कॉल कर दिया होता मैं आ जाता। अरे नहीं, मेरे को अपनी सिस्टर को गोल्डन लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करनी है तो मुझे वो चाहिए। अरे सर वो तो हमारे दूसरे शोरूम पे है, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, पेमेंट भी उधर ही कर दूंगा, और इधर करना चाहे तो इधर। अरे नहीं सर उधर ही कर देना। उसके बाद अपनी थार लेके मैं निकल जाता हूँ अपने दूसरे शोरूम के लिए जहाँ ऑलरेडी सारी की सारी लैम्बोर्गिनी। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने दूसरे शोरूम पे और भाई इधर देख सकते हो सारी कलर की लैम्बोर्गिनी और गोल्डन कलर की ये रही। ओके इसको लेके चलते हैं भाई सीधा, मैं खन्ना साहब के घर से ड्रॉप कर दूंगा। तो फाइनली मैं खन्ना साहब के घर के पीछे आ चुका हूँ और इसको खड़ा कर देता हूँ लैम्बोर्गिनी को, उनको कॉल करके बता देता हूँ आपकी लैम्बोर्गिनी आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि हम बहुत जल्दी 30K तक पहुंचने वाले हैं, तो बिना शर्माए सब्सक्राइब कर लो। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद मेरी पुलिस में जॉब लग चुकी है और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक कार भी मिली और साथ में गन भी मिली है। भाई मेरे को भाई यकीन नहीं हो रहा। ओके तो आज सुबह सुबह मुझे फर्स्ट जॉब है तो फर्स्ट टाइम जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, तो मैं चलता हूँ। ओके भाई पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका हूँ, जाते हैं अंदर भाई देखते हैं क्या काम मिलता है पहले ही दिन। ओके पहले ही दिन मुझे बहुत तगड़ा काम मिला कि सर ने मुझे एक फोटो दिखाया कि ये लड़की है जिसके ऊपर चोरी के और खून के इल्जाम है, तो मैं इसको गिरफ्तार करके लेके आना है। ओके भाई चलते हैं। तो भाई मुझे गाड़ी इनमें से चूज कर लेनी है। ओके भाई काफी देर हो चुकी है लेकिन मेरे को मिल नहीं रही, लोकेशन तो यही बताती। अरे अरे लड़की यही है भाई। ओके हेलो मैडम रुक जाइए। ओके गार्ड से आवाज नहीं आ रही कि नीचे उतरना पड़ेगा। मैडम जी रुक जाइए, आपके ऊपर वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। चला जा नहीं मारूंगी बहुत। मैडम जी मैं आपको प्यार से बात कर रहा हूँ ना, आप गाड़ी में बैठ जाइए। चला जा तेरी यहाँ से ही तैसी। मैंने कहा था ना मैं एनकाउंटर भी कर सकता हूँ, तो ठोक दिया ना, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा। बहुत दिनों के बाद मैं कॉलेज आया हूँ, मैं देखता हूँ अरे भाई साहब ये किसकी सुपर बाइक से। ओ भाई अरे नहीं 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 अरे इससे और किसी की सुपर बाइक गिर गई। कमीने तेरे को दिखना नहीं है हमारी सुपर बाइक डाल दी, हरामी कुत्ता साला तेरी ऐसी की ऐसी। ओ भाई भागो भाई लड़कियों की बाइक, मैंने सोचा कोई बॉयज होगा। ओ भाई साहब इसकी ऐसी की तैसी भाई, ये लड़की मेरे को मारेंगी, इनकी बाइक ब्लास्ट कर देता हूँ, स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ सारे के सारे में, भाई कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को किसने ब्लास्ट किए। ओ नहीं 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 भाई पुलिस को पता चल गया, भाई मेरे गलती कर दी भाई, चारों तरफ देखना चाहिए था स्टिकी बॉम्ब लगा। अरे नहीं भाई गलती से ब्लास्ट भी कर दिया, मेरे को भागना पड़ेगा बाइक लेके, भागना पड़ेगा, पुलिस आ गई भाई पुलिस आ गई, भागो भागो मैंने गलती क्यों कर दी भाई, इतना बड़ा जुर्म कर दिया अब तो मेरा भागना। अरे नहीं भाई गोली मार दी, सब्सक्राइब कर लो। आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो ही रहा था, बाइक से जा ही रहा था, तो देखता हूँ कि मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद मैं अपनी बाइक को लेके पेट्रोल पंप पहुँचता हूँ और मैं देखता हूँ कि पेट्रोल के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं भाई, इतने ज्यादा मेरे तो बस की नहीं है भाई, सारी सैलरी इसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई इसके तो बेच ही देते हैं, मैं एक लड़की को देखता हूँ डीलर को जो 10,000 में मेरी बाइक खरीद लेती है। उसके बाद मैं पैदल पैदल इलेक्ट्रिक स्कूटी की शोरूम पे पहुंच जाता हूँ और मैं पेमेंट करके आता हूँ, तो पता चलता है कि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ 5,000 में आ जाती है, 5,000 रुपये बच रहे थे मेरे, तो स्कूटी लेके मैं सीधा अपने घर आ जाता हूँ। पुराने वाले कमेंट में जरूर बताना हमारी स्कूटी कैसी लग रही है देख रहे हैं, और भाई इतना पैसा बचाया पेट्रोल से बढ़िया तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है भाई। और मुझे पता है आप बिना कहे सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, कर लो भाई प्लीज आपके एक सब्सक्राइब से हम जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचने वाले हैं, सब्सक्राइब करो। आज मैं पुलिस वालों के साथ 20 करोड़ का स्कैम करने वाला हूँ। ये जो आपको साइड में बंदर दिख रहा है ना जिसके पास RGB कार है, तो ये पुलिस वालों को देने वाला है, ये पुलिस वालों ने परचेस किया है इससे 20 करोड़ में, लेकिन मैं इसे चुराने वाला हूँ। ओके इसका ध्यान नहीं होते मैं चुरा लूंगा। ओके भागो 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 तेजी से तेजी से।
ओके गाड़ी लेके तो निकल चुका हूँ भाई, पुलिस स्टेशन जाना है इसकी कॉल से पहले, और भाई 20 करोड़ रुपए दे के निकलना है। ओके फाइनली पुलिस स्टेशन तो आ चुका हूँ, अब बस भाई अंदर जाना और 20 करोड़ रुपए लेके आना है। ओके फाइनली मुझे 20 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, अब मेरे को यहाँ से फास्ट निकलना होगा क्योंकि भाई कभी भी पुलिस वाले को पता चल सकता है। मैंने साइड में ही बाइक खड़ी कर रखी है। ओके फाइनली बाइक के पास तो आ चुका हूँ, बाइक उठाता हूँ भाई निकलता हूँ। ओ भाई पुलिस लग चुकी है पीछे, पुलिस वालों को पता चल गया भाई, भागो भागो भागो। ओके मैंने पूरा पूरा प्लान बना रखा है, मैं ट्रेन से निकलने वाला हूँ। फाइनली ट्रेन मिल चुकी है, अब मैं यहाँ से बैठ के फरार में कौन सा इनके हाथ आने वाला हूँ। और मुझे पता है बिना बताए तो आप सब्सक्राइब करोगे नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हम 50K तक पहुंचने वाले हैं। सब्सक्राइब। तो मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना था, लेकिन उससे पहले मेरे को पेट्रोल पंप के लिए जगह भी देखनी थी क्योंकि मैं पेट्रोल पंप खोलने वाला था। उसके लिए मैं ब्रोकर का कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि किधर आना है। उसके बाद मैं अपनी फाइनली जमीन पे पहुंचता हूँ तो देखता हूँ भाई काफी अच्छी जमीन है, रोड के पास है, तो पेट्रोल पंप यहीं खुलना चाहिए। मैं उसे पेमेंट कर देता हूँ और अपने आदमी से कह देता हूँ पेट्रोल पंप के काम पे लग जाओ। तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट जाके अपने विदेश के लिए निकल जाता हूँ। कुछ 3 महीनों के बाद मैं वापस आता हूँ, मेरे को कॉल आता है कि हमारा पेट्रोल पंप रेडी है। तो फाइनली मैं पेट्रोल पंप के लिए निकल जाता हूँ एयरपोर्ट से। पेट्रोल पंप पे जाके देखने के बाद भाई जो मैंने सोचा नहीं था यार, उससे भी बढ़िया बनाया यार ये तो। और आप कमेंट में जरूर बताना कैसा बनाया। बिना कहे आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हम 50K तक पहुंचने वाले हैं।